तो वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। तो सुबह का ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ, करने के बाद आपको आज कुछ बात बताना या कुछ एक्सरसाइज बोलना है। एज द फेस्टिव सीजन इज कमिंग और सबको भी जिम करना है, सबको भी चेस्ट बनाना है, सबको भी बाइसेप बनाना है। तो देखो, पहली बात तो ऐसा कोई स्कीम होता नहीं कि 21 दिन में पैसा डबल, वो वाला स्कीम नहीं है दुनिया में। बॉडी बिल्डिंग एक फिटनेस, एक मतलब एक लाइफस्टाइल है, हमेशा चलना चाहिए। ऐसा लोग मेरे को बोलते हैं कि भाई जिम छोड़ देंगे तो मोटा थोड़ी हो जाएंगे। भाई जरूर हो जाओगे, क्यों नहीं होंगे, लेकिन बात वो नहीं है। बात वो है कि आप छोड़ना ही क्यों है। ऐसा दिमाग में लाओ ही मत कि जिम छोड़ना है। हमेशा याद रखो कि भाई जिम करना है, पूरा जिंदगी और जिम करना है, और अच्छा बॉडी बनाना है, फिजिक बनाना है, और वो फिजिक को हमेशा मेंटेन करना है। कि ऐसे नहीं कि एक दिन में एक दिन बॉडी बना लिया, अगले दिन गायब। भाई ये एग्जाम नहीं कि एक रात में पढ़ के एग्जाम पास हो जाओगे, ठीक है। ये सालों की मेहनत है। जो जो आप जिसका जिसका फिजिक देख रहे हो ना, बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स, वो एक दिन में नहीं बने, सालों सालों की मेहनत से बने। देखो, मैं बोल रहा हूं, जिनको जिनको अभी ना जिंदगी में फिटनेस नाम का कोई चीज पता ही नहीं है, ठीक है, उनको भी आजकल जिम जाना है। जो हमेशा एग रोल और बर्गर पे जिंदा रहता है, पिज्जा पे जिंदा रहता है, वो बंदा भी जाके आज चेस्ट मारेगा, बाइसेप मारेगा। मैं लिख के बताता हूं, 1 महीने बाद वो बंदे जिम में दिखेंगे। और अभी 1 महीने के लिए आपको बेंच प्रेस का मशीन आपको भूल जाओ, बेंच मारना भूल जाओ। भाई मैं बोल रहा हूँ, जगह ही नहीं मिलेगी। हर एक बंदे को चेस्ट मारना है और आके बाई से मारना, और कुछ नहीं। तो पहले तो अपना ब्रेकफास्ट खत्म करता हूँ, इसके बाद ही मैं आपको बताता हूँ क्या मैं बोलने वाला हूँ। आज एक मस्त एक्सरसाइज दिखाने वाला हूँ, आपको मजा आ जाएगा, चुम्मा दे देगा मेरे को। तो मैं ब्रेकफास्ट खत्म करता हूँ, इसके बाद मैं बताता हूँ आपको। ब्रेकफास्ट में आज ऐसे मेरा ओट्स है, ओट्स दूध है, तो वे प्रोटीन है, फिर पीनट बटर है। उसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट, आज मैं थोड़ा एप्पल डाल रहा हूँ क्योंकि घर पे था। कोई भी फ्रूट डाल सकते हो आप, मैं एप्पल था तो एप्पल डाल दिया, मजा तो बहुत आ रहा है भाई खाने में। तो आज का जो वर्कआउट है उसको मैं अल्टीमेट वर्कआउट बोलता हूँ। ना सुपर सेट है, ना ड्रॉप सेट है, मिक्सचर ऑफ बोथ है, ठीक है। देखो, जो सबको चेस्ट बड़ा करना है, ठीक है, और चेस्ट तभी बड़ा दिखता है जब अपर चेस्ट बड़ा हो या स्ट्रांग हो। और सबका 99% लोगों का अपर चेस्ट वीक होता है, ठीक है। तो अपर चेस्ट वीक करने के लिए सब बोलेंगे क्या करना है, इंक्लाइन बेंच प्रेस मारना है। मैं आज आपको ऐसे इंक्लाइन बेंच प्रेस दिखाऊंगा कि वो सारे इंक्लाइन बेंच का बाप है, ठीक है। तो आप ये जो वर्कआउट है वो 21 डेज करना है, और हर दिन करना है। डजेंट मैटर कि आप चेस्ट मार रहे हो, बैक मार रहे हो, कौन सा मार रहे हो, आपको सारे वर्कआउट के बाद ये वाला सेट करना ही करना है। ये लास्ट जो शोल्डर का मैं दिखाया था वो एक ऐसा सेट था जो जिसको थेरेपी बोलते हैं, इसको भी थेरेपी ही बोलते हैं। तो चलो जिम, और सीधा मैं वर्कआउट दिखाता हूँ। तो ये वर्कआउट के लिए सबसे पहले आप एक इंक्लाइन बेंच पे चले जाओ, और एक खाली रोड ले लो, और उसमें नॉर्मल का जो इंक्लाइन बेंच प्रेस होता है उसमें 10 सेट, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 पीछे रखो, ताकि आपका जो वेट है बुला के लिए ढाई ढाई का प्लेट ले लो। और वापस से 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ऐसे करके हर हर एक बार ढाई ढाई का पेट लगाओ, और अपना 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 वापस से 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 अभी उल्टा वेट, अभी पापा से ढाई ढाई का कम करो, और रोड खाली जब तक नहीं होता तब तक 10 10 10, 10, 9, 8, 7, 6,
करके देखो, मजा आएगा। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. वापस से खाली रोड से 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. अल्टीमेट सेट, ये ना ना ड्रॉप सेट है ना सुपर सेट है, इसको मैं बोलता हूँ अल्टीमेट सेट। अगर आपका अपर चेस्ट वीक है, आप इसको हर वर्कआउट के बाद कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कौन सा वर्कआउट कर रहे हो, आप बैक कर रहे हो, बाइसेप कर रहे हो, चेस्ट कर रहे हो, ट्राइसेप कर रहे हो, शोल्डर कर रहे हो, जो मर्जी वो कर रहे हो, हर वर्कआउट के बाद ये वाला सेट मार के जाओ। अगर आपको मजा नहीं आया फिर कौन ना आके गाली देना। और अगर अगर आपका अपर चेस्ट मतलब ठीक हो गया तो भाई शेयर कर देना वीडियो को। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो, दोस्तों को बता दो कि नया वीडियो आ चुका है, और अपना चेस्ट बना लो। और तब तक अंटिल नेक्स्ट टाइम फिट रहो, मस्त खाओ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।